हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका हमारे चैनल द मौर्य एपटी क्लासेस में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपको भी एक नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलॉट हो चुका है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जीएसटी REG06 में आपको अलॉट होता है। आपका लीगल नेम यहाँ पर होता है, ट्रेड नेम होता है, सर्टिफिकेट का नंबर आपको मिल जाता है। तो ये नंबर मिलने के बाद अब आपको व्हाट नेक्स्ट, आपको आगे क्या करना है। बहुत से लोग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर जब मिल जाता है उन्हें, तो वो लोग सोचते हैं कि अब हम जो है जीएसटी से रिलेटेड सारा काम, जैसे कि टैक्स का, जीएसटी का रिटर्न फाइल हो, या फिर जीएसटी के लिए टैक्स इनवाइस इशू करनी हो, या फिर ITC क्लेम करना हो, या फिर जो है सप्लाई करनी हो, ये सारा काम हम कर सकते हैं। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट काम जो आपको करना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद, वो ये है कि आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स, जहाँ पे कि आपने अपने बिजनेस का अकाउंट खुलवा रखा है, जहाँ पे कि आपने सेविंग अकाउंट अपना ओपन करा रखा है, वो डिटेल्स आपको जीएसटी पोर्टल पे अपडेट करनी है। बैंक में जब आप अकाउंट ओपन कराने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो आपसे ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपसे वो मांगता है बैंक वाला। जब तक आप ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तब तक आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं होता है। तो बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद आपको ये जीएसटी पोर्टल पे अपडेट कराना जरूरी है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट स्टेप है जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे वर्क को आगे करने के लिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आपको आगे हम बताते हैं इस प्रोसेस को, किस तरीके से आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट करनी है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जीएसटी पोर्टल पे बैंक अकाउंट की डिटेल्स को अपडेट करने की एक टाइम लिमिट दी गई है। पहला है कि विद इन 45 डेज ऑफ ग्रांट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जिस डेट को आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है उससे 45 दिन, या फिर ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट GSTR 3B, आपका जो पहला GSTR 3B जब आप फाइल करने के लिए जा रहे हैं, तो वो डेट और 45 दिन, दोनों में से जो कम आपका पहले आ रहा है, उस डेट तक आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स जीएसटी पोर्टल पे अपडेट करा लेनी चाहिए। इसके बाद बैंक अकाउंट जो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आपको अपडेट करानी है, वो इन चारों में से कोई भी अकाउंट हो सकता है, जैसे कि करेंट अकाउंट, यानी कि जिस लीगल नेम ऑफ बिजनेस के लिए आप रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं, उस नाम से भी आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आप सेविंग अकाउंट भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, कैश क्रेडिट अकाउंट, अदर अकाउंट, इन चारों में से कोई भी आप अकाउंट जो है जीएसटी पोर्टल पे अपडेट करा सकते हैं। बैंक अकाउंट को जीएसटी पोर्टल पे अपडेट करने से पहले आपको इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है, माइंड में रखना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नेम और बैंक नेम शुड बी मैच्ड। बैंक में जो आपने अकाउंट खुलवा रखा है, चाहे आपके बिजनेस के नाम से या आपने खुद के नाम से, वो नाम आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नाम से मैच करना चाहिए। पैन इज लिंक्ड इन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में जो आपने पैन जो है इंटर करवाया है, वो पैन भी आपका लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट में, क्योंकि पैन के आधार पे ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, इसलिए वो पैन आपके बैंक में जरूर से लिंक होना चाहिए। इसके बाद आपका पैन नंबर जो है आधार से भी लिंक होना चाहिए। अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट पैन को आधार से लिंक कर रहा है, तो यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं होगा, तो एक समय आएगा कि आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो उस केस में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी डीएक्टिवेट हो सकता है। इसके बाद यदि आप बैंक को डिटेल्स को जीएसटी पोर्टल पे अपडेट नहीं कराते हैं जीएसटी नंबर मिलने के बाद विद इन द टाइम लिमिट, जैसे कि हमने देखा, तो आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड भी हो सकता है, जिसमें कि आप ना तो ईवे बिल जनरेट कर पाएंगे, ना GSTR फाइल कर पाएंगे, और बाद में आपका जीएसटी नंबर कैंसिल भी हो सकता है। तो ये जो दोनों काम है, ये तब तक नहीं होगा जब तक कि आपको एक शो कॉज नोटिस जीएसटी ऑफिसर के द्वारा ना इशू कर लिया जाए। तो जीएसटी ऑफिसर जब आप एक शो कॉज नोटिस इशू करता है, तो आपको उसका जवाब डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ सबमिट करना होता है। यदि वो डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ आपका सेटिस्फाइड होता है, तो उस केस में आपका जीएसटी नंबर और कैंसिलेशन में नहीं जाएगा, इसलिए श्योर हो लें दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं किस तरीके से आपको जीएसटी पोर्टल पे अपना बैंक अकाउंट अपडेट करना है। लेट्स स्टार्ट।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका यदि सक्सेसफुल हो चुका है तो आपको एक मेल आता है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से और उसमें लिखता है वेलकम टू द जीएसटी फैमिली। और इसमें है कि आपका एप्लीकेशन जो है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रूव हो चुका है और आप जो है सक्सेसफुली जीएसटी पे पोर्टल पे आप एक टैक्स पेयर के रूप में रजिस्टर हो सकते हैं। आपको एक जीएसटीआईएन नंबर यहाँ पर अलॉट हो जाता है और आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दे दिया जाता है और यहाँ पर आपसे लिखा जाता है कि आप जो है इस पासवर्ड को चेंज कर लें जीएसटी पोर्टल पे जा करके। तो ये दोस्तों जो आईडी पासवर्ड आपको मिला है ये आपको चेंज करना है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले gst.gov.in की वेबसाइट पे आनी है और यहाँ पे आने के बाद आपको लॉगिन पे प्रेस करना है। लॉगिन पे प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। जो यूज़र आईडी पासवर्ड अभी आपने मेल में देखा था वो आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पे इंटर नहीं करना है। आपको यहाँ पे नीचे देखे लिखा है फर्स्ट टाइम लॉगिन, तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम लॉगिन करने जा रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पे क्लिक हियर पे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपसे प्रोविजनल आईडी जीएसटीआईएन नंबर या फिर यूआईएन नंबर यहाँ आपको इंटर करना है जो आपको जीएसटी नंबर मेल में अलॉट हुआ है, यानी कि ये वाला जो आपका जीएसटी नंबर है यही आपका यूज़र नेम है। तो ये जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इसके बाद जो पासवर्ड आपको यहाँ पे अलॉट हुआ है वो पासवर्ड भी आपको यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद अब आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना एक न्यू यूज़र नेम एंटर करना है, जो भी आपने अपना यूज़र नेम सोचा होगा, लेकिन उस यूज़र नेम में आपका अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए और एक स्पेशल करेक्टर जैसे कि अंडरस्कोर या फिर डॉट या हाइफन होना चाहिए। यहाँ पे एक आपको पासवर्ड अपना यूनिक पासवर्ड चूज़ करना है जो कि 8 से लेकर 15 करेक्टर तक होना चाहिए, जिसमें कि एक अल्फ़ाबेट हो, एक नंबर हो और एक कैपिटल लेटर में एक वर्ड होना चाहिए और एक जो है कोई स्मॉल लेटर का वर्ड होना चाहिए। फिर आप यही पासवर्ड यहाँ पे रीकन्फर्म करेंगे। रीकन्फर्म करने के बाद आपको नीचे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आपके स्क्रीन पे ऐसा मैसेज आएगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड हैव बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, कैंडी लॉग इन यूजिंग दिस क्रीडेंशियल। तो नया यूजर नेम आईडी आपने क्रिएट किया था यहाँ आपको एंटर करना है, पासवर्ड जो आपने नया बनाया था उसको एंटर करना है, फिर लॉग इन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास एक मैसेज ओपन हो गया कि कोर बिजनेस सेलेक्शन। अब आपको इसमें से अपना बिजनेस सेलेक्ट करना है कि यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ट्रेडर हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, फिर उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके पास एक वार्निंग का मैसेज आता है कि आपको 45 डेज के अंदर अपना जो जीएसटी पोर्टल पे बैंक की डिटेल्स है उसको अपडेट करनी है। यदि आप 44 डेज के अंदर आप यदि अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपडेट नहीं करते हैं तो आपको आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, आप यहां पे देख सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि आप 45 डेज या 39 डेज दोनों में से जो कम हो उसमें अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे अपने बैंक डिटेल्स को ज़रूर से अपडेट कराएं। इसके बाद अब आपको फाइल अमेंडमेंट पे क्लिक करना है। दोस्तों कुछ इस तरीके का मैसेज आपके ऊपर स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स आ रही है, तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को आप जो है अपडेट कर सकते हैं। यदि आपको ये मैसेज यहाँ पे स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही है तो आप जो है सर्विसेज में भी जा करके अपना डिटेल्स बैंक का अपडेट कर सकते हैं। यदि आपके सामने वो स्क्रीन अपीयर नहीं होती है तो आप सर्विसेज में जा करके और रजिस्ट्रेशन में आएंगे। रजिस्ट्रेशन में आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ देख सकते हैं बैंक अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। बैंक डिटेल्स पे जब क्लिक करते हैं तो आपको डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट में आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर इंटर करना है जो आपने बैंक में अकाउंट ओपन करा रखा है, जैसे कि करेंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, कैश क्रेडिट हो, जो भी आपने अकाउंट ओपन करा रखा है उसका अकाउंट नंबर, और यहाँ पे बैंक का IFSC कोड आपको इंटर करना है। और यदि आप IFSC कोड यहाँ पे इंटर करने के बाद आप यहाँ पे गेट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस भी बैंक का आ जाएगा और यहाँ पे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको जैसे कि
कैंसिल्ड चेक यहाँ पे एक अपलोड करना होगा, या फिर अपने बैंक बैंक के पासबुक का जो मेन पेज होता है वो बैंक पासबुक का भी मेन पेज यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट भी आप प्रूफ के तौर पे अटैच कर सकते हैं, और यहाँ पे चूज़ फाइल पे करके और आप अपने जो जो भी कंप्यूटर पे जहाँ भी सेव किया होगा आपने उसको आप यहाँ से अपडेट कर लेंगे। और ध्यान देना है कि यदि आपका PDF या JPG फॉर्मेट में फाइल है तो 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो डिटेल्स जब आप ऐड करते हैं तो आपकी बैंक डिटेल कुछ इस तरीके से शो होती है। अब आपका टाइप ऑफ अकाउंट, करेंट अकाउंट, अकाउंट नंबर, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये आपका डिटेल्स यहाँ पे शो करता है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। तो ये ज़रूरी काम आपको दोस्तों GST नंबर मिलने के बाद आपको करना है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप यदि चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब एक बार फिर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।